दोस्तों, यदि आप भी अपनी वॉइस को कुछ इस प्रकार की बनाना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक स्मार्टफोन की सहायता से आप किस प्रकार से अपनी वॉइस में चार चांद लगा सकते हैं। मैक्सिमम क्रिएटर को ये लगता है कि वो बिना माइक एक अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन ये गलत है। हम एक सस्ते से सस्ते बजट स्मार्टफोन से भी हाई क्वालिटी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं तो आप एक कॉलर माइक में जरूर इन्वेस्ट कर सकते हो। अब मैं जो यूज कर रहा हूँ वो है बोया BY-M1 माइक, जो एकदम सस्ता माइक है। इसका प्राइस अराउंड 700 के करीब है। बात करें साउंड रिकॉर्डर ऐप की तो मैं अपने स्मार्टफोन के डिफॉल्ट वॉइस रिकॉर्डर का ही यूज करता हूँ, जो हमारे स्मार्टफोन में पहले से ही अवेलेबल होता है, जो किसी भी माइक के साथ और माइक के बिना बेहतरीन वॉइस रिकॉर्ड करता है। अब हमें एक अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए एक ऐसी जगह की जरूरत है जहां नॉइस और इको बिल्कुल भी न हो। आप अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करने से पहले डोर, विंडोज, फैन और अन्य नॉइस क्रिएट करने वाले उपकरणों को बंद कर दें। फ्रेंड्स, यदि आपके घर में पूरे दिन नॉइस रहती है तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप या तो देर रात में या जल्दी सुबह अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करो। और यदि आपके रूम में इको ज्यादा है तो आप उसमें एक्स्ट्रा लगेज भर सकते हैं, जिससे आपकी वॉइस गूंजना कम हो जाएगी। जितना हो सके तो आप एक छोटे रूम में अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करो। चलिए, अब मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ कि जब भी आप अपने स्मार्टफोन से ऑडियो रिकॉर्ड करो तो बिल्कुल उसके नज़दीक आकर रिकॉर्ड करो, ताकि उसमें केवल आपकी ही ऑडियो रिकॉर्ड हो। ऑडियो रिकॉर्ड करने के बाद अब हमें चाहिए एक बेस्ट ऑडियो एडिटर ऐप जिसमें हम अपनी ऑडियो को एकदम क्रिस्पी बना सकें। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा लेक्सिस ऑडियो एडिटर ऐप, जो स्मार्टफोन के लिए एकदम बेस्ट है। यदि आप अपने PC में एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑडोसिटी एक बेस्ट सॉफ्टवेयर है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब मैं एक ऑडियो सैंपल रिकॉर्ड करता हूँ और उसको अपने स्मार्टफोन से ही एडिट करके बताता हूँ। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो ये हमारी ऑडियो क्लिप है जो सैंपल ऑडियो के नाम से सेव हो चुकी है। चलिए अब हम इसे एडिट करते हैं। मैंने ओपन कर लिया है लेक्सिस ऑडियो एडिटर ऐप। अब मैं सिंपली इसमें अपनी वॉइस को इम्पोर्ट कर लूंगा। हमारी वॉइस इम्पोर्ट होने के बाद जहां मैं चुप हूं उस पार्ट को डिलीट कर लूंगा। ये करने के बाद आपको कोने में दिख रहे 3 डॉट पर क्लिक कर लेना है और इफेक्ट्स के अंदर आ जाना है। उसके बाद आपको चेंज पिच के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसको -2 कर लेना है। ये करने के बाद आपको चेंज स्पीड के ऑप्शन पर आकर स्पीड को 5, 6 या 7 गुना तक इंक्रीज कर लेनी है और अप्लाई कर देना है। स्पीड बढ़ाने के बाद हमें नॉइस रिडक्शन पर क्लिक कर लेना है और बिल्कुल मेरी तरह सेटिंग अप्लाई कर देना है। दोस्तों, नॉइस रिडक्शन का ऑप्शन अच्छी तरह से काम नहीं करता है, इसलिए आप वॉइस रिकॉर्ड करते समय ही नॉइस का ध्यान रखें। तो दोस्तों, अब आती है हमारी मेन सेटिंग जो हमारी वॉइस को एकदम क्रिस्पी बनाती है। अब हमें क्लिक करना है इक्वलाइजर पर, जहां पर आपको 2 लास्ट वाली और 2 पहले वाली लाइंस को कुछ इस प्रकार बढ़ा लेना है और इसको 2 dB तक बढ़ा लेना है और अप्लाई कर देना है, और अंत में नॉर्मलाइज पर क्लिक कर वॉइस को एकदम नॉर्मल कर लेना है। बस ये सब करने के बाद आपको ऑडियो को हाई क्वालिटी में सेव कर लेना है। दोस्तों, अब मैं आपको अपनी विदाउट एडिट वॉइस और एडिट वॉइस सुनाने वाला हूँ। तो ये है विदाउट एडिट वॉइस। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। चलो अब मैं सुनाता हूँ आपको एडिट की गई वॉइस। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, दोनों में आपको किस प्रकार का डिफरेंस लगा कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना।